सुधारने वाली गैस। बस करो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, ऐसी बुरी आदत छोड़ दो नोबिता। लेकिन आप दोनों की भी तो कुछ बुरी आदतें होंगी ना? क्या कहा तुमने? मेरे अंदर बुरी आदतें नहीं हैं। मुझे भी कोई बुरी आदत नहीं है। देखा, आप दोनों अभी वही कर रहे हैं। डैड घुटना हिलाते रहते हैं और मॉम जी बाहर निकाल कर ओट को लगाती रहती है। देखो नोबिता, मैं अपनी पीठ खुजा रहा हूँ और ये बुरी आदत नहीं है। मुझे भी नहीं है, मेरे होंठ सूख गए थे इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, समझे? दूसरों को सिखाना बंद करो और अपने आप को सुधारो। डोरेमोन, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? वो दोनों अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें आसानी से अपनी आदतों का एहसास कभी नहीं होता है, और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। तो चलो उन्हें एहसास करवाते हैं। बुरी आदत सुधारने वाली गैस। इस गैस को छिड़कने के बाद उन दोनों की आदत अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर भले ही इसका उन्हें एहसास हो या नहीं। लेकिन तुमने इसे मुझ पर क्यों छिड़का? सॉरी नोबिता। ठीक है, हमारे मेहमान आ रहे हैं। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। मेरे कान बज रहे होंगे। क्या हो रहा है? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुमने उन्हें टोक दिया था ना, शायद इसलिए वो इस बात का ध्यान रख रहे होंगे। थोड़ी देर में वो आदतें जरूर दोहराएंगे। और कितना इंतजार करें? आप बहुत हुआ।
नोबिता सुनो। हाँ, इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरी नाक पकड़ी थी। लगता है ये वही अंकल है ना डोरेमोन। दरअसल मैं रास्ता भूल गया था, मुझे माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, लीजिए मिठाई खाइए ना। जरा देखो मॉम के होठों को गौर से देखो। सामने ऐसा मत करो। देखो देखो ये कितना असरदार है ना। आप बुरा मत मानिएगा, बस करो। अरे चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। क्या करूं, मुझे तो ये बुरा लगा। डैड ने घुटना हिलाना शुरू कर दिया है। अब मॉम और डैड को एहसास होगा कि उनकी कितनी सारी बुरी आदतें हैं। करता है तुम ये कर सकती हो नोबिता। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए
शुक्रिया शिजुका। अपना ध्यान खेल पर लगाओ। तुम्हें सभी खिलाड़ियों के साथ रहना है, तुम्हें सबका ध्यान रखना है, लेकिन किसी के बीच में नहीं आना है। सबसे पहले देखते हैं नोबिता मैच खेलने के लिए तैयार है या नहीं। जोर से बॉल फेंकने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ जियान। जंपिंग नोबिता। अरे नोबिता। अब अच्छे से बॉल पकड़ो। नोबिता, बॉल को ध्यान से देखना। ये लो। ठीक है। पकड़ नहीं पाया। इसे कल के मैच के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। अरे हाँ, मेरे पास कुछ अच्छा है। ट्रेनिंग रोबोट। अब ये क्या है? ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस रोबोट है जो तुम्हारे साथ बॉल की प्रैक्टिस करेगा। मैं डॉज बॉल मोड सेट कर देता हूँ। चलो नोबिता, तुम्हें अच्छे से आप बॉल पकड़नी है। ठीक है, बॉल कहीं से भी फेंको। अरे ये क्या, ये तो कहीं पर भी फेंक रहा है। रुको। अरे ये तो एक भी बॉल अच्छे से नहीं पकड़ पाया। ये तो वाकई मजेदार है। ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे पास कुछ और है? अरे हाँ। लगा देंगे ऐसे, फिर एन पोल बैच को हम नोबिता पर लगा देंगे। एस और एन पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये किसी भी बॉल को पकड़ पाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। तो तुम तैयार हो नोबिता? ये लो। अरे वाह। ठीक है नोबिता, अब सुनियो को पास करो। रेडी सुनियो। जल्दी टैबलेट। इस गोली को खाओगे तो तुम जल्दी भाग पाओगे। ठीक है, अब कहीं से भी फेंको। अरे नहीं, शायद मैंने स्लो वाली दे दी। रुको नोबिता, ये नहीं, फास्ट वाली गोली। ठीक है, कहीं से भी फेंको। शरीर कितना हल्का लग रहा है। वो तो इतनी तेज भाग रहा है, फिर भी उसे बॉल लग ही रही है। ऐसा सिर्फ नोबिता ही कर सकता है। मैं हार गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और डॉज बॉल बिल्कुल भी नहीं खेलना है मुझे। तो तुम सब आपस में ही लड़ रहे हो। ओकुमा, तुम्हें मैच के एक दिन पहले ही चोट लग गई। तुम कितने लापरवाह हो। क्या कहो, वैसे तुम कितनी भी कोशिश कर लो जियान, लेकिन कल का मैच तो हम ही जीतेंगे। नोबिता की वजह से उसने मेरा मजाक उड़ाया। ये मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पैर में मोच आई है। क्या क्या कहा तुमने? वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हें जो करना है करो। जियान, जियान। कुछ नहीं हो सकता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम सुपर डॉजेस से कभी नहीं जीत पाएंगे। डोरेमोन, इस बार कुछ अच्छा निकालना पड़ेगा। ड्रामेटिक गैस। इस गैस को सूंघने के बाद तुम्हें हर छोटी चीज बहुत ज्यादा फील होगी। सुनो सर, हम हार क्यों मान रहे हैं भला? अगर हम कोशिश करें तो हम मैच जीत सकते हैं। सही कहा, सबसे ज्यादा जियान को दुख होगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सही कहा तुमने। अरे क्या तुम सब मेरे लिए आए हो? मैं गलत था जियान, मैं कभी भी बीच रास्ते में हार नहीं मानूंगा। हम सब कल का मैच जियान के साथ ही जीतेंगे। हम अपनी पूरी जान लड़ा देंगे जियान। नोबिता और तुम सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ। ठीक है, हम सब पहाड़ के पीछे खुफिया ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगर हम इस टाइम गेट को बंद कर दें तो समय धीरे धीरे बीतेगा। अब तुम थोड़े समय में भी ज्यादा
अच्छे पॉइंट्स जीतने के लिए खास ट्रेनिंग करनी होगी। अच्छे पॉइंट्स? तो बेटा तुम तुम बस बॉल से दूर भागना। अगर ऐसा है तो ट्रेनिंग रोबोट का दूसरा फंक्शन लगाता हूँ। फंक्शन? तैयार हो जाओ। बॉल लगते ही तुम्हारे अंदर करंट लगेगा जिससे तुम जल्दी भाग पाओगे, क्यों है ना? अरे नहीं। ठीक है, चलो ट्रेनिंग शुरू करें। प्रैक्टिस करते हैं। तुम थोड़ा और अच्छे से फेंको। बॉल फेंकते वक्त अपना लेफ्ट हैंड थोड़ा अच्छे से घुमाओ, समझी? सुनियो अच्छा कंट्रोल करता है, सही से पास करना होगा। कंधे के ऊपर सही है। अगर तुम्हें बॉल कंधे के ऊपर लगती है तो तुम आउट नहीं हो सकते हो। अच्छा, डोरेमोन का चेहरा बड़ा है इसलिए तुम आसानी से बच जाओगे। फिर तो डोरेमोन को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होगी। बचो 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 डोरेमोन। बच गया लेकिन इतना काफी है। मुझे तो लगता है ड्रामेटिक गैस का असर शायद वो पहले ही खत्म हो गया था। हे हे, हमारे पास आराम करने का वक्त नहीं है। शायद तुम्हारे साथ मैच नहीं खेल पाऊंगा। क्या? हम फाइनल तक जरूर आएंगे और फिर तुमसे जीत कर दिखाएंगे। ये तो नामुमकिन है। ठीक है, मैच शुरू हो गया है। गया।
जियान, तुम्हारा पैर ठीक है ना? कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है। अब तैयार हो जाओ, जब भी जियान। लिखिया, वो लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन जीतूंगा मैं ही। ये अब सब तुम पर है। अब सामना मेरा और तुम्हारा। अब एक मिनट से भी कम समय बचा है। बहुत अच्छे नोबिता। तुम तो गए बिग बैड बॉस।